पटना में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं ने, खासकर तेजस्वी यादव ने, वाम दलों के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग 65% आरक्षण बहाल करने की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव स्वयं इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राजद विधायक विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन करते आए, उनके साथ साथ वाम दल के विधायक भी मौजूद थे, जिनके हाथों में पोस्टर दिखाई दे रहे थे और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। आप बता दें कि दूसरे दिन सुबह सुबह प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुबह बिहार विधानसभा पहुंच गए। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेताओं के साथ सदन के बाहर खुद हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हो गए। विपक्ष सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में पोस्टर लेकर पिछड़े, अति पिछड़े, एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण देने की मांग पर अड़े रहे। उनके साथ अन्य नेता भी मिलकर खूब हंगामा किए। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के गेट पर खुद धरना प्रदर्शन किए। आपको बता दें कि आज संविधान दिवस है और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोर्ट ने आरक्षण के मामले को निरस्त कर दिया है तो निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी पूरे मामले की समीक्षा करे और समीक्षा के रिपोर्ट के बाद तुरंत उस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में दोबारा आरक्षण का प्रस्ताव लाया जाए, जिसमें 85% आरक्षण का आधार रखा जाए। बिहार कैबिनेट उसको स्वीकार करे और इसके बाद केंद्र सरकार के लिए इसकी अनुशंसा भेजे कि वो इसे 9वीं अनुसूची में डाल दें। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो ठीक थे और ठीक रहते भी हैं, लेकिन जब से बीजेपी के साथ गए हैं तो उधर के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर संगत का असर पड़ गया है। जब नीतीश कुमार थे तो उन्होंने ही ये प्रस्ताव यानी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव लाया था, तब हम लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन अब नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ही उनका कोई बयान आया है। हमारी मांग है कि तुरंत कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाइए और उसको मंजूर कीजिए और आरक्षण की सीमा 85% तक बढ़ाइए, जिसमें 10% कोटा EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी हो। बिहार के लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देते हैं और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनको हम लोग याद करते हैं जी, और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई EWS भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था EWS को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया तो भी जो है ये खारिज हुआ, तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, यदि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनंद फानंद में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के बजाय 85% वाला हम लोग ले आते, क्या दिक्कत? संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। अब ज्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है, 85, हम तो 75 बोल रहे ना देने, और 10 रखो तुम EWS का, क्या दिक्कत है उसमें? 85 के 85 भी मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना एक बार, 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट? अभी तो विलम्ब है, डेट पे डेट आ रहा है, जब भी होगा तो हम लोग तो मजबूती के साथ। UP News 9 के लिए पटना से राजीव कुमार की रिपोर्ट।